सिक्किम में शहीद भोजपुर के लाल बामपाली गांव के निवासी नायक प्रमोद कुमार सिंह का श्राद्ध कर्म में पहुंचे लोजपा राम विलास के उलास पांडे। उलास पांडे ने शहीद प्रमोद कुमार सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। लोजपा राम विलास संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान पार्षद उलास पांडे ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि देश के लिए जो जवान शहीद होता है उसके लिए सम्मान हर दल के लोगों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां नहीं हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। शहीद के परिवार का जो भी मांग है वो सही है। बिहार सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है, इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को दिया जाएगा। साथ ही परिवार के द्वारा एक लिखित आवेदन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को दिया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में लोजपा रामविलास भोजपुर के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान, यामिन रंजन मिश्र के साथ कई लोजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बहुत गंदा होते हैं, श्रद्धांजलि सभा है, श्राद्ध कर्म है, सत्ता दल का कोई भी नेता आज यहाँ नहीं पहुँचा और आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी पत्नी का भी बहुत शिकायत है सरकार से, व्यवस्था से। पहले तो हमारे भोजपुर के सपूत दिवंगत प्रमोद कुमार सिंह जो नायक, जिनका आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पहुँचे हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित किया है। उन्होंने भोजपुर की धरती का मान बढ़ाया है। असमय उनका निधन हो गया, ये दुख का विषय है और ख़ास करके उस परिवार के लिए। और ऐसे में उनकी धर्मपत्नी का जो भी कहना है, उनके जायज चीज़ों को आगे पहुंचाने के लिए, सरकार तक बात को रखने के लिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग जाइए, परिवार के लोगों से मिलिए और उनकी जो भी बातें हों उनको हमसे अवगत कराइए, लिखित रूप से संबंधित विभाग को, चाहे वो रक्षा मंत्री को लिखना पड़े, गृह मंत्री को लिखना पड़े या प्रधानमंत्री को लिखना पड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिखित रूप से धर्मपत्नी के और परिवार के जो भावनाएं हैं उससे अवगत कराएंगे। शहीद के परिजनों से मिलने के लिए ना कोई विधायक, ना सांसद, ना ही कोई बड़ा नेता पहुंचा है सरकार का। अब अपने आप में ये तो गंभीर विषय है, आना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को तो निश्चित तौर पे आना चाहिए, और ऐसे में अगर लोग नहीं आए हैं तो ये समाज के लिए और हमारे जो भोजपुर के सपूत हैं, जो और जगहों पे अपना सेवा दे रहे हैं भारत की सुरक्षा में और सीमाओं की सुरक्षा में, और वो सब देख रहे हैं और उनके सारे परिवार के लोग भी देख रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि होते हुए और ऐसे घटना में उस परिवार को जाकर मिलते नहीं हैं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं देते, ये गंभीर विषय है। शहीद की पत्नी का कहना है कि जिस तरह से बाकी राज्यों में सरकारों द्वारा शहीदों के साथ एक सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है, उनके परिजनों के साथ, और सम्मान दिया जाता है, वो बिहार में नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कमी है, बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है सर? ये बिहार सरकार का जो सोच है अपने सेना के प्रति, अपने जवानों के प्रति, वो दर्शाता है कि अन्य प्रदेशों में जो सेना के प्रति भाव है सरकारों का, वो बिहार में नहीं है, और ये अपने आप में बहुत दुखद है। हमारे सेना के जवान पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा में लगे रहते हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक राज्य की सुरक्षा में वो नहीं होते हैं, और बिहार हो या अन्य प्रांत, वो सभी प्रांत एक देश का हिस्सा है, एक भाग है। और ऐसे में हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने में, सम्मान देने में अगर कोई भी सरकार कमी दिखाती है तो ये निकम्मी सरकार होगी। आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी सर, आज के जो हम लोगों ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और श्रद्धांजलि दी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अपने लेटर हेड पर पत्र के माध्यम से परिवार को, परिवार की जो भावनाएं हैं, उनकी पत्नी की जो डिमांड है, उसको लिखित रूप से
भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग यही काम करेंगे।